अब खबर झुंझुनू के खेतड़ी से है, जहां किशनपुरा गांव 27 तारीख को हुए खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इस मामले में चार आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस उप अधीक्षक मोहम्मद अयूब खान ने बताया कि किशनपुरा के दो परिवार में आपसी रंजिश के चलते ये विवाद हुआ था और इस झगड़े में महिलाओं सहित बच्चों को भी गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद इस मामले में पुलिस कप्तान गौरव यादव ने गंभीरता दिखाते हुए और साथ ही आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई। फिलहाल गिरफ्तार चारों आरोपियों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की पुलिस अब तलाश कर रही है। मामला 28 तारीख को हमारे यहाँ प्रकाश मेघवाल निवासी किशनपुरा ने एक रिपोर्ट दी थी कि इस तरह से हमारे परिवार के लोगों को, राजपूत समाज के लोगों ने, जिनमें मुख्यतः नाम भी बताए थे, रामपाल सिंह, रामचंद्र सिंह और महेश, इसके अलावा भी राहुल सिंह, राजपाल सिंह, इस तरह से करीब 10 नामजद किए थे और इसके अलावा अन्य व्यक्ति भी उन्होंने नामजद किए थे। और घटना में यही बताया था कि हमारा कोई पहले खनन को लेकर के कोई रंजिश चल रही थी, उस रंजिश के तहत इन लोगों ने हमारे साथ मार। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।